सच्ची खबर पर आपकी नजर, मैं हूँ आपके साथ ही आई नजर डालते हैं आज की खबर पे। जुलूस के दौरान करंट लगने से एक युवक घायल। मुहर्रम जुलूस के दौरान एक युवक करंट की चपेट में आने से झुलस गया। दरअसल पूरा मामला गोरखपुर भटहट का है, जहां तजिया निकलने के दौरान डीजे ट्रॉली में बिजली तार के सट जाने से उसमें करंट उतर गया, जिसके संपर्क में अमवा ग्राम सभा के खुर्शीद उर्फ गोल्डन 28 वर्षीय के आ जाने से वह झुलस गया। इस घटना से जुलूस मेले में थोड़ी अफरा तफरी रही, मगर गोरखपुर SSP सलभ माथुर ने बताया कि जो घटना घटी थी उस पर काबू पा लिया गया है और स्थिति सामान्य है, जिसके बाद प्रशासन द्वारा बारिश के बीच सभी तजियाओं को शांतिपूर्ण ढंग से करबला ले जाया गया। गोरखपुर से सुनील पांडे की रिपोर्ट। ये करीबन 4:30 के बीच में थाना गुलरिया में भटट चौकी के पास में ये अभी तक की जानकारी प्राप्त हुई कि दादी में करंट लग गया था, जिसके कारण वहाँ पर जो लोग थे आक्रोशित हुए। आक्रोशित होने के बाद इन्होंने पथराव किया और एक जो जानकारी प्राप्त हुई है कि थाने की धूप जो चौकी की धूप है उसके अंदर भी आग लगाई थी और जो इसके अंदर दो पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनको ट्रीटमेंट के लिए लेके गए। अभी उनकी स्थिति सामान्य है, यहाँ से ताजिया जो है वहाँ से जो अपने गंतव्य स्थान है वहाँ पर लेके गए। तत्काल अधिकारी के मौके पर पहुँचे, अभी स्थिति यहाँ पर पूरी तरह सामान्य है और जो भी लोग इसके अंदर जो चीज़ें हैं उनको चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कुछ खास खबरों के लिए देखते रहिए TST News Live।